Hello everyone, this is Alex Smith. Welcome to Knowledge the Ambition, a platform for study in a smart way. तो फ्रेंड स्वागत है आपका Knowledge the Ambition के हिमाचल वंडरलैंड MCQs की सेशन में. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये सीरीज हमारी डेली बेसिस पर चलती है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक पहुंचते रहें. तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन रहने वाला है. इसी के साथ नॉलेज द एम्बिशन पर आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश जो डेली करंट अफेयर प्लस नेशनल करंट अफेयर का डेली सेशन, और साथ ही में गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के सभी इंपॉर्टेंट सेशंस, और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज की मेंस की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, तो आप उन्हें वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी खेल परिसर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है. आपको बताना है कि इंदिरा गांधी खेल परिसर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है. सोलन में है, शिमला में, ऊना में या धर्मशाला में. तो इंदिरा गांधी खेल परिषद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह शिमला में. ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है, यानी शिमला में जो है इंदिरा गांधी खेल परिसर स्थित है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है. आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, और ये भारत में जो है सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता हैं जो जिन्हें कि ये मरणोपरांत दिया गया था. बाना सिंह, टीएस नेगी, विक्रम बत्रा या फिर मेजर सोमनाथ शर्मा. तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है, मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और ये भारत में सर्वप्रथम इन्हें ही परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. बात करते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा की, तो इन्हें ये जो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ये किया गया था सन 1950 में जो है मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था. भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें कि ये सम्मानित किया गया था इस सम्मान से, परमवीर चक्र से, और इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था. और बात करते हैं 2019 की, जो 2019 में आप परमवीर चक्र विजेता रहे, वो रहे आपके विंग कमांडर अभिनंदन विंग कमांडर जो अभिनंदन थे हैं, उन्हें जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया 2019 के. ये भारत के सर्वप्रथम परमवीर चक्र विजेता है मेजर सोमनाथ शर्मा, और इन्हें ये मरणोपरांत दिया गया है. क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहाँ स्थित है. तो हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहाँ पर स्थित है, भुंतर में, गगल में, बीरबिलिंग में या जुब्बलहट्टी में. तो ऑप्शन नंबर थ्री इसका राइट आंसर है, यानी हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास जो है बीरबिलिंग में स्थित है. यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं भुंतर, गगल और जुब्बलहट्टी. बात करते हैं भुंतर की, तो भुंतर जो हवाई अड्डा स्थित है आपका कहाँ पर है, भुंतर हवाई अड्डा आपका स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में. और गगल की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपका कांगड़ा में. और जो आपका जुब्बलहट्टी है, जुब्बलहट्टी आपका शिमला में स्थित है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर हमारा, दिल्ली नंगल ब्रॉडगेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार किस वर्ष हुआ. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा. और जो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में बार बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहता है, तो आप इससे इन्हें ध्यान से देखिएगा. दिल्ली नंगल ब्रॉडगेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार किस वर्ष हुआ था, 1903 में, 1906 में, 1926 में या 1991 में. तो ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर है, यानी 1991 में जो है दिल्ली नंगल ब्रॉडगेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार हुआ था. अब बात करते हैं 1903 से आपको याद होना चाहिए कि 1903 की ये डेट हम अभी हाल ही की वीडियोस में पहले डिस्कस कर चुके हैं, पिछले सेशन में जो है डिस्कस कर चुके हैं. 1903 में क्या हुआ था, आपकी जो कालका शिमला रेलवे लाइन में जो है पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी. पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी कालका शिमला रेलवे लाइन में, तो 1903 में चली थी. 1906 की बात करें तो 1906 में इम्पॉर्टेंट क्या रहा था आपका, जो आपकी पहली शुरुआत, तो जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन का निर्माण संपूर्ण हुआ था 1903 में, लेकिन जो
आपकी पहली ट्रेन शिमला पहुंची थी वो 1906 में पहुंची थी। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और 1926 की बात करें तो 1926 में पठानकोट से जोगिंदर नगर तक जो है रेल लाइन का निर्माण किया गया था, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। 1903 में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई, 1906 में जो है वो पहली ट्रेन शिमला पहुंची, 1926 में जो आपके पठानकोट जोगिंदर नगर तक रेल लाइन का निर्माण किया गया, और 1991 में दिल्ली नंगल ब्रॉडगेज रेल लाइन का ऊना तक विस्तार किया गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप इंटरलिंक करके पढ़िए। अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आता है तो आप उससे इंटरलिंक करके पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड जो साथ में जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें उसी टाइम आप याद कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। पूछा गया है कि रंगरिक हवाई अड्डा किस ज़िले में स्थित है। अब रंगरिक हवाई अड्डे की बात कही है तो किस ज़िले में स्थित है, लाहौल स्पीति में, शिमला में, कुल्लू में या कांगड़ा में। तो जो आपका रंगरिक हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बात करें शिमला में तो शिमला में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि शिमला में जुबलहट्टी स्थित है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में आपका भुंतर स्थित है और कांगड़ा में गगल हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। पूछा गया है कि बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल के किस जिले में स्थित है। बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में या कुल्लू में। तो जो आपका बिनवा जल विद्युत परियोजना है ये स्थित है कांगड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। बात करें चंबा की तो चंबा में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं आपकी स्थित हैं। चंबा में आपकी बात करते हैं बैरासियोल, चमेरा, उसी के साथ आपकी साल जल विद्युत परियोजना, हिब्रा जल विद्युत परियोजना, ये सभी चंबा में स्थित है। मंडी की बात करें तो मंडी में आपकी मंडी में भी हाल ही हम डिस्कस कर चुके हैं कौन सी है, उहल जल विद्युत परियोजना। और जो उहल चरण 3 जल विद्युत परियोजना है ये मंडी के जोगेंद्र नगर में स्थित है। साथ ही में अगर हम बात करें कांगड़ा की तो कांगड़ा में आपकी बिनवा जल विद्युत परियोजना तो है ही है, लेकिन आपकी कांगड़ा में और भी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, न्यूगल है, उसी के साथ आपकी शाहपुरगज है, आपकी शाहपुरगज है, और साथ ही में हम बात करते हैं कुल्लू की तो कुल्लू में कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है जो इम्पोर्टेंट हम याद रखते हैं, सैन जल विद्युत परियोजना कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 कांगड़ा में है। बिनवा जल विद्युत परियोजना भी कहाँ पर स्थित है, कांगड़ा में। इसी के साथ आप न्यूगल और जो आपकी शाहपुर गज है इनसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी सीजल विद्युत परियोजना व्यास नदी निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है व्यास नदी तट पर है। आपको यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं, उनके नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी जो है व्यास नदी तट पर स्थित है। थिरोट है, धानवी है, तौस है या आपकी रोकटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जो आपकी तौस जल विद्युत परियोजना है वो व्यास नदी के तट पर स्थित है। बात करें थिरोट, धानवी और रोकटी की तो आपको पता होना चाहिए कि ये थिरोट, धानवी और रुकटी कौन कौन सी नदी पर स्थित है। थिरोट जो है आपकी चिनाब नदी की सहायक नदी पर स्थित है जल विद्युत परियोजना ये, और धानवी की बात करें तो धानवी जो है एक धानवी खड पर स्थित है, धानवी खड सतलुज की सहायक नदी है, तो धानवी खड पर जो है धानवी जल विद्युत परियोजना है। तौस आपकी ब्यास नदी के तट पर स्थित है, और रुकटी की बात करें तो रुकटी जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है और ये किन्नौर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम नरेगा शुरू हुआ। तो जो आपके नरेगा था वो हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ, चंबा में, सिरमौर में, लाहौल स्पीति में या 1 और 2 दोनों में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी चंबा और सिरमौर में जो है सर्वप्रथम नरेगा शुरू हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में, चंबा और सिरमौर में सर्वप्रथम नरेगा शुरू किया गया था। अब नरेगा की बात आती है तो नरेगा है क्या, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नरेगा की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये जो एक्ट आया था ये इसे कहा जाता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये लॉन्च हुआ था कब, 2006 में। ऑल ओवर इंडिया की बात की जा रही है, ऑल ओवर इंडिया में जब ये शुरू हुआ था 2006 में, और ये उस टाइम पे जब ये शुरू हुआ था आपका लॉन्च हुआ था 2006 में, उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है ये आपका नरेगा प्रोग्राम शुरू किया गया था, नरेगा एक्ट 2005 के अंडर 2006 में। और बात करें
तो ये किसके अंडर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। और इस टाइम पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के हेड यानी मिनिस्टर कौन है, तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है प्रेजेंट टाइम पे नरेंद्र सिंह तोमर, तो आपको ये याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम नरेगा शुरू किया गया था चंबा और सिरमौर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, पूछा गया है कि कांगड़ा जिले के किस स्थान पर अभ्रक धातु पाई जाती है। आपको बताना है कि कांगड़ा की जिले के किस स्थान पर अभ्रक धातु पाई जाती है, ज्वालामुखी में, बागसुनाथ में, नूरपुर में या ज्वाली में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है यानी ज्वालामुखी में। कांगड़ा के ज्वालामुखी में जो है वो आपकी अभ्रक धातु पाई जाती है। ज्वालामुखी मंदिर भी स्थित है, ज्वालामुखी मंदिर से आप यहाँ पर भी चीज़ें कोरिलेट कर सकते हो। ज्वालामुखी मंदिर से आपकी क्या क्या चीज़ें रिलेट हो सकती है, ज्वालामुखी मंदिर आपका कांगड़ा में स्थित है, साथ ही में ज्वालामुखी मंदिर से एक शासक जो है 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया था, उसका नाम आप याद कर सकते हैं कि वो कौन था, और ज्वालामुखी से ली गई उन 1300 पुस्तकों का अनुवाद किया था किसमें, फारसी में, तो उस शासक का नाम आप यहाँ से याद कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकों को अपने साथ लेकर गया था जिनका अनुवाद फारसी में किया गया था, और फारसी में इन पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था, ये किया था आपका आजुद्दीन खालिद खानी ने। तो आप इस तरह से चीज़ें कोरिलेट कर सकते हो। भागसुनाथ की बात करें तो भागसुनाथ मंदिर जो है वो धर्मशाला के मैक्लोडगंज में स्थित है। नूरपुर की बात करें तो नूरपुर से आप क्या याद कर सकते हैं, नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था, धमेरी था। इसी के साथ जो है धमेरी नूरपुर का प्राचीन नाम था। और जो बात करते हैं आपका और जो आपकी धमेरी यानी धमेरी की स्थापना किसने की थी, जो नूरपुर की स्थापना की थी जेठपाल ने की थी। नेक्स्ट है ज्वाली, ज्वाली की बात करें तो ज्वाली जो है वो ज्वाली जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और जो ज्वाली है वो सेकंड लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिमाचल प्रदेश की, सेकंड लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन किस बेस पर, इलेक्टर्स के बेस पर, जो टोटल इलेक्टर्स हैं आपकी ज्वाली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो ये 77,625 टोटल इलेक्टर है और ये सेकंड लार्जेस्ट इन हिमाचल प्रदेश है। और बात करें अगर फर्स्ट लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश की, तो वो आपकी कौन सी, जोगिंदर नगर में कुल टोटल इलेक्टर्स कितने हैं, 80,709 प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। तो ज्वाली जो है आपकी सेकेंड लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन था हमारा कांगड़ा जिले के किस स्थान पर अभ्रक धातु पाई जाती है, तो वो आपकी पाई जाती है ज्वालामुखी में। तो इसी तरह से चीज़ें कोरिलेट करके आप, मेरा यही मकसद है आपको ये चीज़ें बताने का कि आप इसी तरह से कोरिलेट, अगर आपको एक नाम कहीं पर सुनाई देता है जैसे ज्वालामुखी का नाम, यहाँ पर ज्वालामुखी का नाम, इस क्वेश्चन का आंसर ज्वालामुखी है, तो आपको पता ज्वालामुखी के नाम से आपको और भी चीज़ें याद आनी चाहिए, ज्वालामुखी से रिलेटेड चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कल्चरल बेस पर इम्पॉर्टेंट हो, तो सब कुछ आपको यहीं पर याद आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 10 की, पूछा गया है कि क्वार्ट्जाइट ग्लास सैंड हिमाचल के किस स्थान पर पाया जाता है। अब जो आपका क्वार्ट्जाइट ग्लास सैंड जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर पाया जाता है, मंडी में, बिलासपुर में, कांगड़ा में या कुल्लू में। तो जो आपका क्वार्ट्जाइट ग्लास सैंड है वो पाया जाता है कहाँ पर, आपका बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, बिलासपुर में पाया जाता है क्वार्ट्जाइट ग्लास सैंड। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ खास पाया जाता है, यहाँ से आपको स्ट्रक करना चाहिए माइंड में कि मंडी में क्या पाया जाता है, कांगड़ा में क्या पाया जाता है और कुल्लू में क्या पाया जाता है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा का खनियारा जो है वो स्लेट के लिए फेमस है, और कांगड़ा का खनियारा जो है वो स्लेट के लिए फेमस है। और मंडी की बात करें तो मंडी में नमक की खादें हैं, सॉरी नमक की खाने स्थित हैं, कौन कौन सी, गुम्मा और द्रंग नमक की खाने मंडी में स्थित है, कांगड़ा स्लेट के लिए फेमस है। और कुल्लू की बात करें तो कुल्लू के पार्वती नदी में जो है वो यूरेनियम पाया जाता है। इसी के साथ बिलासपुर में क्वार्ट्जाइट ग्लास सैंड पाया जाता है। तो इसी तरह से आप चीज़ों को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिलासपुर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो पूछा गया है हिमाचल में कौन से ज़िले में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें प्रीवियस ईयर 2019 के अलाइड के क्वेश्चन पेपर की, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था।
पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ, यानी औद्योगिक इकाइयां सर्वाधिक किस जिले में स्थित हैं, लाहौल स्पीति में, सिरमौर में, सोलन में या कांगड़ा में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जब औद्योगिकरण की बात की जाती है हिमाचल प्रदेश में तो सबसे पहले सोलन का नाम आता है, क्योंकि सोलन में जो है सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोलन में। अब लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति जो है वो सबसे कम औद्योगिक विकास यहाँ पर हुआ है। लाहौल स्पीति में सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र लाहौल स्पीति में स्थित है और सोलन में सर्वाधिक है। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में क्या है आपका, सिरमौर में हाल ही में हमने डिस्कस किया था जो आपकी राजबन सीमेंट फैक्ट्री है, राजबन सीमेंट फैक्ट्री आपकी सिरमौर में स्थित है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1980 में। और कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में जो है हिमाचल प्रदेश का एकमात्र बांस उद्योग वो कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, पूछा गया था स्वान नदी इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ऊना में कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। जो आपका स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है ये ऊना में स्थित है, तो इसमें कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है आपको बताना है। 732 वर्ग किलोमीटर, 715, 672 या 619। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी जो आपका स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है इसके अंडर कितना क्षेत्र शामिल है, तो ये 619 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले सकता है कि स्वान रिवर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो किस जिले में स्थित है, तो ये ऊना में स्थित है और जो स्वान नदी ऊना में बहती है, स्वान नदी को जो है ऊना का शोक भी कहा जाता है, ऊना का शोक स्वान नदी को कहा जाता है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि स्वान नदी की एक ट्रिब्यूटरी है चरण गंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में न्यूज़ में रही थी। चरण गंगा स्वान नदी की ट्रिब्यूटरी है, तो चरण गंगा से रिलेटेड आपको और भी फैक्ट पता होना चाहिए। चरण गंगा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चरण गंगा की बात करें तो यहाँ पर नाम आता है आपका बाबा बड़भाग सिंह श्राइन का, जो कि कहाँ पर स्थित है, ऊना के मैड़ी में स्थित है। और बाबा बड़भाग सिंह श्राइन पे जो है प्रत्येक वर्ष मेला लगता है, जहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं तो वो स्नान करते हैं चरण गंगा में। उनके द्वारा माना जाता है कि चरण गंगा तो में स्नान करने से जो है उनके मानसिक और जो शारीरिक रोग जो है उनके दूर होते हैं, तो चरण गंगा इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा स्वान नदी ऊना में स्थित है, ऊना का शोक कहा जाता है, स्वान नदी की ट्रिब्यूटरी आपकी चरण गंगा है, चरण गंगा से आपको बाबा बड़भाग सिंह श्राइन का पता चलता है, बाबा बड़भाग सिंह श्राइन जो है ऊना के मैरी में स्थित है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। हाल ही में पिछले हम करंट अफेयर के सेशन में इसे कवर कर चुके हैं कि कब ये मेला लगा था, तो आप डेली बेसिस पर जुड़े रहिए नॉलेज द एम्बिशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं, पूछा गया है कि किस वर्ष आरसी ली ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत की थी, 1870 में, 1850 में, 1830 में, 1815 में। तो आपको बताना है कि किस वर्ष जो है आरसी ली ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, ऑप्शन नंबर 3 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 नहीं, 1830 नहीं, यहाँ पर 1870, यानी ऑप्शन नंबर 1, 1870 में जो है आरसी ली ने कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, ये तो आपको याद रखना है, 1870 में ब्रिटिश किस्म के बाग लगाने की शुरुआत आरसी ली ने कुल्लू घाटी में की थी। अब आरसी ली ने जो है कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के बाग, यानी इन्होंने लगाए थे सेब के बाग, तो आरसी ली ने जो है प्रथम सेब के बाग ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग लगाए थे 1870 में, इन्होंने शुरुआत की थी कुल्लू घाटी में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सीटू प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया है, तो आपको बताना है कि सीटू प्रणाली जो है किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है, सेब के, आम के, अंगूर के या चाय के। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी आम के पौधों के रोपण से जुड़ी हुई है आपकी सीटू प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी है, ये जुड़ी हुई है आम के पौधे से। सेब की बात करें तो सेब से हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं, हाँ सेब का जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सेब का सबसे बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो है शिमला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है सेब का। और अंगूर की बात करें तो अंगूरों की घाटी कहा जाता है रिब्बा को, जो किन्नौर में स्थित है। और चाय की बात करें तो चाय
चाय, आपकी चाय की कुछ नस्लों के नाम, सॉरी किस्मों के नाम आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। जैसे कि चाय की किस्में होती है बहार, मल्हार, बागेश्वरी, ये चाय की सभी किस्में हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कुफरी चंद्रमुखी किसकी किस्म है? जो कुफरी चंद्रमुखी यहाँ पर किस्म बताई गई है, और कौन सी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? टमाटर की, चाय की, बीज आलू की या मक्की की? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी बीज आलू की। जो आपकी कुफरी चंद्रमुखी है ये किसकी किस्म है? बीज आलू की। इसी के साथ जो आपकी कुफरी ज्योति है वो भी आलू की ही किस्म है। टमाटर की बात करें तो सोलन गोला जो है वो टमाटर की किस्म है। चाय की बात करें तो आपकी हम डिस्कस कर चुके हैं, आपकी बहार, मल्हार, बागेश्वरी ये सभी चाय की किस्में हैं। और नेक्स्ट हम बात करें किसकी, मक्की की। तो मक्की की बात करें तो इसकी इम्पॉर्टेंट जो किस्में पाई जाती हैं वो पाई जाती है गंगा, विजया, अंबर, हिम 123, ये जो है मक्की की इम्पॉर्टेंट किस्में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हिमाचल के किस जिले से की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के किस जिले से की गई थी? चंबा से, सिरमौर से, किन्नौर से, ऊना से? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी ऊना से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत की गई थी, इस अभियान की शुरुआत की गई थी वो हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। यहाँ पर और डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जैसे कि चंबा, तो चंबा से हम कुछ आपका लिंक करना चाहें तो चंबा में आपका स्थित है भूरी सिंह म्यूजियम स्थित है, साथ ही में चंबा में लेक्स कौन कौन सी है, महाकाली, खजियार लेक, डल लेक, आपकी मणिमहेश लेक, ये सभी चंबा में स्थित है। चंबा का जो चंबा रुमाल है, चंबा चप्पल है फेमस, चंबा चौक फेमस है। साथ ही में आपका बात करें तो चंबा के जो आपके सरौल में जो है वो भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें अगर सिरमौर की, तो सिरमौर से इम्पॉर्टेंट एक ऋषि का नाम जुड़ता है, जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि की बात करें तो इन्हें जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है, और जमदग्नि ऋषि जिस स्थान पर निवास करते थे उसे जामू का टिब्बा कहा जाता है। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उसे जामू का टिब्बा कहा जाता है। जमदग्नि ऋषि और रेणुका का संबंध भी पूछा जाता है, तो जमदग्नि ऋषि और रेणुका का संबंध पति पत्नी का था, और जमदग्नि ऋषि के पुत्र का नाम परशुराम था। और इससे आपको एक आर्य राजा सहस्त्र अर्जुन का नाम भी याद रखना है, जिन्होंने कि जमदग्नि ऋषि से जो है कामधेनु गाय की मांग की थी, लेकिन उनके मना करने पर वो उन्हें लूट कर ले गया था। तो यहाँ से आर्य राजा सहस्त्र अर्जुन का नाम भी याद रखना है जमदग्नि ऋषि से। इनकी पूजा की जाती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में और स्थित है आपका सुकेती जीवाश्म पार्क जो है, ये भी हम क्वेश्चन पेपर में सॉरी इस वीडियो के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सुकेती फॉसिल पार्क जो है सिरमौर में स्थित है। जातक किला आपका सिरमौर में स्थित है। नौराधार और तिलौरधार ये भी हम इन वीडियोस में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऊना की बात करें तो ऊना में जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी हिमाचल प्रदेश से, और जो 1967 में ऊना तहसील कांगड़ा जिले में स्थित थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपको याद रखना है कि 1967 में जो ऊना तहसील थी वो कांगड़ा जिले में स्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारा पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त है? आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त है? किंकरी देवी को, गंभरी देवी को, सीता गोसाई को, सुमन रावत को? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, यानी किंकरी देवी को। हिमाचल प्रदेश से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार किसे प्राप्त है? किंकरी देवी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं। पूछा गया कि 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा किस जिले से संबंधित है? तो जो आपके कैप्टन विक्रम बत्रा है वो किस जिले से स्थित है आपको बताना है, तो हमीरपुर से, कांगड़ा से, सोलन से या सिरमौर से? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कांगड़ा से। 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा का संबंध कांगड़ा जिले से है। यहाँ पर अन्य जो स्थान दिए गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप यहाँ से भी कोरिलेट कर सकते हो। जैसे कि जो आपके कैप्टन विक्रम बत्रा का संबंध किस जिले से है वो कांगड़ा जिले से है। सोलन की बात करें तो अनीस विला जो है सोलन में स्थित है, और सोलन में अनीस विला स्थित है, और अनीस विला का संबंध किस है वो है सलमान रुश्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 15 अप्रैल 1948 को, 1 नवंबर 1966 को, 25 जनवरी 1971 को या 15 अगस्त 1947 को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, यानी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 25 जनवरी 1971 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के एग्जाम्स में देखने को मिला है, रिपीटेड होते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चंस। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1971, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन थे, हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यसभा सदस्य थे वो कौन थे, अनंत पाल थे, रोशन लाल थे, रानी अमृत कौर थी या चिरंजी लाल वर्मा थी। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप PDF चाहते हैं इन सभी वीडियोस की, जो भी नॉलेज द एम्बिशन पर इंपॉर्टेंट सेशन चलते हैं उन सभी की वीडियोस जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाती हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो या फिर ऑनलाइन ब्लॉग पर ये सभी पोस्ट पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी के लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।